संचालित करने के लिए तकनीकी उपकरण की आवश्यकता पड़ती है महोदय। मोबाइल लैपटॉप और डाटा आदि के खर्च का वहन कार्मिकों द्वारा अपने वेतन से किया जाता है। वहीं पंचायत विभाग द्वारा अपने खंड प्रेरक तथा एडीओ पंचायत को वाहन भत्ता मोबाइल और कार्यालय खर्च हेतु निर्धारित राशि प्रदत्त की जा रही है। अतः न्याय हित में ग्राम विकास विभाग को उक्त लाभ से पोषित कराने का कष्ट करेगा। महोदय योजनाओं को त्वरित गति देने के उद्देश्य डेढ़ साइट विकास खंडों में 1980 में संयुक्त खंड विकास अधिकारी पद का सृजन हुआ था। आज के स्थिति में हमारे पास विकास खंड के क्षेत्र में और कार्यों में भी उसके आकार में महोदय वृद्धि हुई है। अतः वर्तमान समय में जनसंख्या विकास खंडों के आकार वृद्धि के सापेक्ष हर विकास खंड में एक JBDO का पद सृजित कराते हुए और समतुल्य में होते हैं। जब हम ग्राम विकास अधिकारी से EDO ISP होते हैं तो महोदय हम ग्रेड पे वेतन पाते हैं 2800 और पाते रहते हैं, जबकि हम जब EDO ST और EDO सहकारिता पे महोदय होते हैं तो हमको 4200 मिलता है। एक व्यक्ति के साथ यह न्याय नहीं है, नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। इस पर भी संज्ञान लेने का कष्ट करें। और जब हम ज्वाइंट BDO होते हैं तो मेरा न पद अस्थायी है न राजपत्रित, जबकि ADCO और ADSTO का महोदय राजपत्रित भी है अस्थायी भी है। इस बिंदु पर भी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। सहायक विकास अधिकारी ISP पद से संयुक्त खंड विकास अधिकारी पद पर पदोन्नति हो महोदय। बहुत पुरानी व्यवस्था के तहत 7 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित की गई है नियमावली में। महोदय ग्राम विकास अधिकारी 20 से 24 वर्ष के उपरांत ADO ISP पद पर पदोन्नत होता है, इसलिए उसकी सेवाएं लगभग 4, 5, 6, 7, 8 साल बचती हैं और 7 वर्ष तक वह अवधि पूर्ण नहीं कर पाता, जिसके फलस्वरूप वह उस पद को पदोन्नति लेना नहीं चाहता और पदोन्नति ले लेता है तो उसको ज्वाइंट BDO के अगले पद की लाभ नहीं मिलता और हमारा निर्धारित कोटा लगभग सदैव रिक्त रहता है, जिसमें दूसरे विभाग के लोग खंड विकास अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। तो इसको 7 वर्ष से 3 वर्ष कराने के लिए आदरणीय आयुक्त महोदय के द्वारा प्रस्ताव महोदय चलाया गया है। माननीय मंत्री जी भी संज्ञान लिए हैं। शासन में मेरी पत्रावली महोदय लंबित है, कृपया उस पर संज्ञान लेते हुए यह कार्य अगर आपके द्वारा आशीर्वाद के रूप में मिल जाता है तो लगभग हमारी 50% समस्याएं दूर हो जाएंगी। नियमतः व्यक्त अपने आप पदोन्नति को लेता रहेगा, पदोन्नति होती रहेगी और जो पद हमारे हैं वो नहीं रिक्त रहेंगे, भरे रहेंगे। जिसको 3 वर्ष कराने की फाइल है महोदय, निवेदन है उसको करवाने की कृपा करें। सहायक निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल का संचालन ग्राम विकास अधिकारी पंचायत सचिव द्वारा महोदय कराया जाता है, जबकि उक्त के संबंध में कोई अनुभव न होने के कारण आए दिन कार्मिक शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान होते रहते हैं।